फुल अच्छी बीवी बनेगी अब यहाँ पर एमल, लेकिन उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। वो सब चीज़ें जो है ना बर्दाश्त करेगी जो उसकी बहन एनी ने बर्दाश्त किया, और उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि उसने कितना गलत किया अपनी सिस्टर के साथ। लिहाजा वो अपनी सिस्टर से माफ़ी मांगेगी। यहाँ पर वो अपनी सासू माँ को भी कहेगी कि भाई आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, आपको शर्म नहीं आती, खुद भी आपके घर एक बेटी पड़ी हुई है, अगर आपकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो तो आपको कैसा ही लगेगा। जिस पर वो कहेगी कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसी नहीं है, तुम्हें दोनों बहनों को मैं गरीब खानदान से लेकर आई, इज्जत बख्शी, लेकिन तुमने मुझे औलाद नहीं दी, मैं तुमसे कोई बदला नहीं ले रही हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी सहायता कर रही हूँ कि मुझे शहरयार की औलाद देखनी है, इस खानदान का वारिस देखना है। यहाँ पर उम्र तो आ गया ना एनी के ज़रिए से, लेकिन तुमने अगर हमें औलाद दी होती तो मैं बिल्कुल भी शहरयार की दूसरी शादी ना करती। अब जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पर आयमा बेबी की भी शादी करने के बाद फौरी तौर पर जो है ना इसको औलाद हो जानी चाहिए, बाकी तो अल्लाह।